बात पाकिस्तान की, जहां बन्नू शहर में भीषण धमाका हुआ है। जी हां, पाकिस्तान के बन्नू में भीषण धमाका हुआ है। धमाके में कई इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी सेना के कैंप के पास गोलीबारी, पाकिस्तानी सेना ने इलाके को सील। गुलाम अब्बास हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गुलाम, क्या जानकारी मिल रही है, क्या हुआ, ये धमाका कैसे हुआ? ये बन्नू में केपीके के बन्नू डिस्ट्रिक्ट में कैंट की हदूद में एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद फायरिंग की आवाज जो है वो सुनी जा रही है, जो कि लोकल आई विटनेस है उनके मुताबिक एक सुसाइड बॉम्बर की तरफ से पहले एक ब्लास्ट किया गया और उसके बाद दूसरे सुसाइड बॉम्बर की तरफ से कैंट एरिया में घुसने की कोशिश की गई, जिसके बाद वहां पे फायरिंग हुई और अभी भी वहां पे फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, जिसके बाद वहां पे करीबी इमारतों के शीशे टूट चुके हैं। धमाका इस कदर शदीद था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और उसके बाद बिल्डिंगों के शीशे टूट गए, जहाँ पे जबकि काफी तादाद में लोगों के घायल होने की भी का भी बताया जा रहा है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि कई लोगों की इस धमाके और फायरिंग में मौत की भी इतला कैंट का ये एरिया है बन्नू कैंट का, क्योंकि यहाँ पर मुहर्रम पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो सिक्योरिटी पहले ही हाई अलर्ट थी और पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी को ही देखते हुए आर्मी को कॉल किया गया था। तो ये आज सुबह लगभग कोई 6 बजे के करीब ये बताया गया कि एक धमाका हुआ, धमाके के बाद फायरिंग हुई और फायरिंग में अब तक जो फायरिंग की आवाजें हैं वो वहां पर सुनाई दे रही हैं और उसके धमाके के नतीजे में लोगों के जख्मी और कुछ लोगों की मौत की भी इत्तला आ रही है। लेकिन ठीक है, बिल्कुल गुलाम, आप हमारे साथ बने रही। जैसा की आप बता रहे थे कि धमाके और फायरिंग की आवाज सुनी गई, ऐसे गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। गुलाम अब्बास हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाम।